थाने चौकियों में सुनवाई ना होने पर पीड़ित अधिकारियों के पास दुखड़ा रोने पहुंच रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक अधिकारी अपने अपने कार्यालय में पीड़ितों की फरियाद सुन रहे हैं। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी का कहना है कि अधिकांश मामले प्रॉपर्टी से संबंधित आ रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों ने सख्त हिदायत दी है कि थाने चौकियों पर आने वाले हर फरियादी की पीड़ा सुनकर कार्यवाही की जाए, लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों के आदेश हवा में उड़ा रहे हैं। इस वजह से पीड़ितों की भीड़ अधिकारियों के पास पहुंच रही है। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी का कहना है कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर प्रतिदिन कार्यालय में पीड़ित की सुनवाई कर संबंधित इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज को जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए जा रहे हैं। देखिए, कमिश्नर महोदय का जो निर्देशन था, डीसीपी साहब का भी यही कहना था कि जन सुनवाई प्रॉपर की जाएगी, जिसमें सभी थानाध्यक्ष जो हैं 10 से 2 बैठ रहे हैं और जो अधिकारीगढ़ हैं वो भी 10 से 2 बैठ रहे हैं, ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए और उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। इसी क्रम में जो भी पीड़ित आता है तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि उसकी प्रॉब्लम का हम लोग यहीं पर शॉर्ट आउट करें। तो जैसी भी उनकी समस्या रहती है, यहाँ से हम लोग FIR रजिस्टर का भी ऑर्डर कर देते हैं, या कोई जाँच संबंधी बात होती है उसमें तुरंत जाँच करवाते हैं ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द दिया जा सके। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक अधिकारी अपने अपने कार्यालय में पीड़ितों की फरियाद सुनकर कार्यवाही कराई जा रही है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामले जमीनी विवाद के आ रहे हैं। कमिश्नर साहब महोदय के यहाँ सभी जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कोशिश की जाती है, मुख्यतः 2-3 दिवस के अंदर। इससे फायदा ये हुआ है कि लगातार जैसे मुकदमे हमारे यहाँ कायम हो रहे हैं, पीड़ित को भटकना नहीं पड़ता है। तो बेसिकली जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, जो मुकदमा करने के बाद कार्रवाई को लेकर आते हैं, जिसको जल्द से जल्द हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ितों के मामले हैं, बेसिकली वो यहाँ पे इस सर्कल के जो मामले हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हम लोग शॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं परिवार परवरिश केंद्र के थ्रू, अगर नहीं होता है तो मुकदमा लिखा के उस पर कार्रवाई की जाती है। और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या पैसे के डिस्प्यूट्स आते हैं, उनको जो माननीय DGP साहब का सर्कुलर आया था या हाईकोर्ट के जो निर्देशन थे उसके अकॉर्डिंग हम उनको DGC क्राइम साहब के पास भेज रहे हैं। वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उस पर हम भी समीक्षा कर उस पर मुकदमा लिखवा के कार्रवाई कराई जाती है। प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन के मामलों की गहनता से जांच कराई जाती है। इसके बाद तहसील और लेखपाल कानून गो के साथ अधिकारी मौके पर जमीन की पैमाइश कराकर कार्यवाही कर रही है। बिल्डर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ परिवार के जमीनी विवाद सामने आ रही है। विवादित मामलों में दोषियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।